आज हम आ चुके हैं यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड की तरफ। आयशा डर गई। एंट्री हो गई पोर्ट ग्रैंड की तरफ। चलो भाई टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। टिकट ले लिए हमने और हम एंट्री करने जा रहे हैं अंदर। चलो भाई चलो 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 चलो। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, हमारा बंदा चलते हैं सीधे। तो आज तो सारे एवेंजर्स के जो है ना किट्स बना के खड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन भी खड़ा हुआ है शायद। हाँ वही वाला। अरे वो तो गिटार उसको देखो सामने कैसे बजा रहा है। वो गिटार है वो स्पाइडरमैन की हालत तो देख। उसको देख जो गिटार बजा रहा है। देखो कर कैसे रहे हो। जाहिर है अल्लाह 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 अल्लाह। ये सही है। अब हम वहाँ से यहाँ पर आ चुके हैं। ये है स्वीट पोटैटो। इतनी दूर आए उसके बावजूद हम यहाँ पर शक्करकंदी खाने आए। सही है, ठंडी ठंडी मौसम में अच्छी गर्म शक्करकंदी अच्छी लगी। हाँ ये पाव भर जो है वो 200 रुपए की दे रहे हैं। हम वो गेम देखते हैं। गेम चला कब तक गेम जोन देख लेते हैं। आ जाओ भाई क्या है यहाँ पे गेम जोन में क्या क्या है। आ जाओ यहाँ पे टॉयज हैं, आइसक्रीम है। गेम जोन में क्या क्या है। एक डाइस होते हैं आपने रोल सारे नंबर काउंट होंगे, जो काउंट करके एक नंबर बनेगा मैच करना है बोर्ड पे। वही ना 25 मोबाइल हैं, 10 टॉयज हैं, 7 नंबर सिर्फ खाली हैं जिनका कुछ नहीं। अच्छा और कैसे और अगर कुछ भी नहीं आया तो सिर्फ ये 7 नंबर मिलाएंगे जिनका कुछ नहीं आ गया आपके नसीब में। तो ये सब फेंकेंगे इसमें क्या। जैसे आप ट्राई करेंगे नहीं नाम होगा ना। सही है डाइस रोल करने जो भी नंबर आएगा जी। क्या नंबर बने काउंट है 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27, 40 14 नंबर के बिग टेडी बेयर कहाँ है। चलो रेडी खेलते हैं। पहले खेल लें पहले खेल लें फिर दे दें। चलो पहले खेल लें। ऐसे ही खेलना है स्टार्ट हो गया। क्या आया है सारे 6 आए थे भाई इसी के ले लो तो 300 रुपये। देखिए 6 और 3 9 9 और 3 12 2 3 15 20 25 30 35 स्टार्टिंग 35 में क्या है जेंट्स क्या है। आए हाय नहीं भाई नहीं भाई नहीं हम दोबारा खेलेंगे। अब हम दोबारा खेलेंगे अगर आपके एक सिक्स ओवर आ जाता। नहीं नहीं हम एक और ट्राई लेंगे। अब ये हम स्टार्ट ले रहे हैं 300 रुपीज़ अब हम दे रहे हैं और अब हम जेन्युइन तरीके से खेलेंगे। बेईमानी की थी खाने। इतना गंदा हारी हो। एक बार से दो गिरानी है, एक बार से दो, एक बार से दो।
वो ना एक बात सही कह रहे हैं, पता है वो एक बात सही कह रहे हैं, तुम लालच बुरी बला है, किस्मत ही बेमानी करी है तुमने। पहले हमारा पहले जेंट्स कैप मिल तो चलो डुबा दिए तुमने, हवा लेके आ जाओ वापस, हवा जीती है मानू ने हवा। हाँ ये मैंने खा लिया, बहुत मज़े किए, अच्छी है, खा ली बस। अब ये है स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर काफ़ी, और जेली का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, ये लिमका का लगा, दस का लग गया मुझे 300 रुपये का। अब तुमने जब लुटवा दिए तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं तुमने करवाया था, मेरी गलती नहीं। सही बात है, मैंने करवाया, सब मेरी वजह से ही तो होता है। मेरे साथ जो हो रहा है मेरे अंडा है मैं, अरे अंडा पर बोस्ट बर्गर और पिज्ज़ा वगैरह मिलता है। ये है कैंटक, कैंटक में ये सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं। अब बताइए क्या खाना पसंद करेंगे यहाँ से, ये वाला लेंगे, ये वाला लेते हैं 480 वाला, क्यों चलो सब में हो जाएगा वही ले लेते हैं, 360 वाला ये ले लेते हैं, और ये चिपोटले वाला, ये भी पॉइंट आउट करो रेगुलर पिज्ज़ा। हाँ ये देखो डील्स भी लगी हुई है ऊपर, देखो टॉप पे। हमने डिसाइड किया था ये लेने का, लेकिन हम ले नहीं पाए क्योंकि आगे जाके हमें रेस्टोरेंट्स और नज़र आ गए जिसमें इंडियन रेस्टोरेंट था, हमने सोचा आज वो ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये है खाउसे थाली डोसा, आज इंडियन रेस्टोरेंट में से कुछ इंडियन ट्राई करते हैं, खाउसे खाते हैं आज, खाउसे का और खाउसे के लिए डोसा भी है। क्या खाएंगे इसमें से, ये डोसा आप लोगों का कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है? बाबा मिलाई स्टफिंग होती है, एग में एग ऐड करते हैं, मसाला मसाला डोसा सही है, एक मसाला डोसा कर दे और बीफ खाउसे। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने, और सीटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही कम्फर्टेबल माहौल लग रहा है, अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। ये आ गया है मसाला डोसा, मसाला डोसा जो है उसमें है क्या, उसने कहा था इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको आलू मिलेंगे, आलू आलू। चलो और स्टार्ट करते हैं इसको खाते हैं, नहीं करते हैं किस्म की चटनी है,
इसमें नूडल आएगा नहीं, आप ले लो उसको भी खिलाओ। हाँ मुझे चाहिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अबे चाहिए सबसे अच्छी चीज पता है ये नहीं है। रियली डिसअपॉइंटेड गाइस, मत ट्राई करना यहाँ पर आके। ये अभी आ गया गाइस, खाओ से इसको खाते हैं। दाल अभी तो ऊपर के पहले नहीं, नहीं जो पहले इसको मिक्स करो ऊपर नीचे। ये है खौसा, खौसे आ चुका है। ये है बीफ का, बीफ का खाउसे लिया था हमने। हाँ ये मिक्स कर लो। इसके साथ स्लिम्स वगैरह नहीं दिए, इसके साथ क्या क्या चीज़ें दिए, ये सब चीज़ें दिए हैं। अब इसको हम तरीका बताते हैं खाने का। पहले हम ये लेते हैं प्लेट, इस प्लेट में निकालते हैं, चम्मच दीजिए। इसमें सब मिला दो ना? नहीं इसमें नहीं मिला, मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। अब पता नहीं ये बीफ में, इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि बीफ में बोटियाँ डाली है, कलेजी डाल दिए। मैं निकाल के दूँ गिर जाएगा ये, आएगा इस प्लेट में। हाँ इसमें आप डालो, निकालो ओके। ये डल गए इसके अंदर नूडल्स, बस ठीक है। अब आप लेंगे थोड़ी सी पापड़ी। दीदी मुझे दे दो, वेरी गुड। अब ये उठाएंगे, ये क्या चीज़ है? अंडे हैं, डालने डालो, नहीं डाला नहीं डालो। और ये क्या है? ये धनिया वनिया है, ये भी थोड़ा सा छिड़क लेते हैं। अच्छा ये गार्निश हो गई है। कितनी सारी है फ्राइड अनियन के बाहर आ रही है इसके मुँह से। जो गनीमत तौर पे एक नींबू दिया है, उस नींबू को भी हम निचोड़ लेते हैं। ये सिर्फ एक दिया है नींबू, अब इसको हम खाते हैं। बेकार की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसे धोखे में मत आए जो धोखे में हम आए। बोला नहीं मज़ा नहीं आया। देखिए बच्ची तक कह रही है गाइस मज़ा नहीं आया है, और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अजीब तरीके का खाओ से था, अजीब से खाना था। मतलब फर्स्ट टाइम में हमने कोई और रेस्टोरेंट डिसाइड किया, लेकिन उसमें इतना अच्छा। यहाँ पे है बुफे सिस्टम भी लगा हुआ है। हाँ जाओ बुफे, बफे चले चल रहे हैं बुफे सिस्टम खाना नहीं है या इंडिविजुअली खाएं सब? चलो इंडिविजुअली। चले भाई, हमने डिसाइड किया है कि हम जो है वो बुफे सिस्टम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम अगर इसमें ही खा लेंगे तो फिर हम आगे जाके कुछ नहीं खा पाएंगे और कुछ नई चीज़ें नहीं टेस्ट कर पाएंगे। बस हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ नया नया टेस्ट करने के लिए आए। ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, फाइनेस्ट नहारी दिल्ली स्टाइल। यहाँ पे नहारी मिल रही है, और सामने देख रहे हैं आपको राशिद सी फूड नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी हम जाएंगे ज़रूर, और वहाँ पे भी हम ये। अब हम आ गए हैं राशिद सी फूड पे। गाइज ये आ चुके हैं हमारे पास प्रॉन्स, और वो भी डायनामाइट। तो आइए चले चलते हैं इनको टेस्ट करते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा ये सैलेड भी ले लेते हैं,
प्रॉन्स बहुत फ्रेश हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, मज़े के लग रहे हैं। ओपनिंग करो पहले। ये आ चुकी है फिश जो हमने मंगाई थी, और ऊपर ओपन। वाओ, ओह माय गॉड, वाओ, जबरदस्त भाई। अब आ गए मजे से, खाएंगे फिश बारबेक्यू। चलो रेडी करते हैं। चलो भाई ये रेडी हो चुकी है फिश, हमने निकाल ली है, चाय भी निकाल लिया है और चटनी भी निकाली। अब रोटी ले आओ। वाड़े वाह, वाड़े वाह, फिश हो गई है। कौन सी कुर्सी पे ये तो काफी सॉफ्ट हो रही है, अच्छी हो रही है। क्या करना है? फिश काफी टेंडर हो रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेश थी, लेकिन नमक थोड़ा कम था, मगर जायका बहुत अच्छा आ रहा था, मुझे बहुत पसंद आई। अब भाई गोला गंडा ढूंढ रहे हम, अल्लाह करे हमें गोला गंडा मिल जाए जगह। और भाई गोला गंडा हमने सुना है कि अच्छा नहीं है, तो हम नहीं ले रहे। चलो भाई गाइज, हम लोग तो रेडी हो गए हैं, अब हमारे हाथ में आ गया है टिकट, और अब हम लेने जा रहे हैं टोर्नाडो चिप्स और बन कबाब। बन कबाब का स्टॉल तो ये रहा, यही बनेगा, इन लोगों को ही देना मेरे ख्याल से। दे दो यहीं पर ही सर्व होगा ना। ओके, अच्छा यहाँ पे बन रही है टोर्नाडो चिप्स और वहाँ पे बन रहे हैं बन कबाब। तो पहले यहाँ पे टोर्नाडो चिप्स बनाते हुए देख लेते हैं। स्पाइसी डालिएगा भाई, और देखिए स्पाइसेस डाल रहे हैं इसमें, स्पाइसी सही है। उसके ऊपर नरम हो जाएगा। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। इसको लगाते हैं सबसे पहले केचप में, फिर इसके सॉसेस में, इसको डिप डिप करते हैं। और बहुत टेस्टी इसमें से कौन सा अच्छा वाला है? सोडा 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 ब्लूबेरी बेस्ट है, ब्लूबेरी बेस्ट है, ब्लूबेरी। और इसके अलावा ये जो डबल फ्लेवर्स के होते हैं, डबल फ्लेवर्स के कॉकटेल फॉक्सी है, फॉक्सी वो अच्छा है। हाँ जी अच्छा है, तो एक फॉक्सी कर दें और एक जो है ब्लूबेरी है। मीडियम लार्ज, मीडियम मीडियम कितने का है? मीडियम 150 का है। सही है, मीडियम में मीडियम 200 का है। ठीक है, एक मीडियम कर दें और एक जो है वो फॉक्सी कर। भाई अब हम यहाँ पे मॉन्स्टर वाले पे आ चुके हैं, और यहाँ पे बना रहे हैं मॉन्स्टर सोडा, तो हमने लिया है फॉक्सी और ब्लूबेरी। थैंक यू। अच्छा आप लोग की जो है वो स्पेशलिस्ट कौन सी है? स्पेशलिटी नंबर वन सोडा इज ब्लूबेरी एंड फॉक्सी एंड मिंट लेमन। ठीक है, मैं फॉक्सी और ब्लूबेरी ही ले। आप फॉक्सी ट्राई करें और मिंट लेमन ट्राई करें, क्योंकि फॉक्सी में ब्लूबेरी शामिल होता है। अच्छा जी, इट्स अ कॉकटेल। मैं लेमनेड नहीं पसंद आप, तो फिर आप दोनों फॉक्सी कर दें। काम करें जब खाना खा लें तो फिर दोबारा आइएगा हमारे पास, अभी मैं आपको ब्लूबेरी और फॉक्सी दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप खाना खा के आ जाएँ, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ओके, तो आप जो है अभी मुझे ब्लूबेरी और फॉक्सी कर। ओके, ये आ चुका है हमारे पास फॉक्सी, और ये वाला है ब्लूबेरी। टेस्ट करके बताओ कैसा है। बहुत मजे का। चलो भाई ये वाला बेटा जैसा है एग्जैक्टली, बेस्ट है यार ये। आ
तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ मॉन्स्टर से जो है वो सोडा पी लिया है, जो कि मॉन्स्टर सोडा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर रिकमेंड हाईली रिकमेंड करेंगे आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। पहले भी मैं जब आ चुकी हूँ तो मैंने यही पिया था यहाँ पर आकर, तो ये तो बेस्ट था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ जाते हैं। तो इन अंकल का गिटार बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़बरदस्त बजा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं तुर्की आइसक्रीम की तरफ और हम ले रहे हैं यहाँ पे तुर्की आइसक्रीम। गमी फ्लेवर की अच्छी है, सही है। खाली दिए आयशा नहीं आ रही, देख दिया गिरा दी पीछे। कौन कौन सी कर सकते हैं? ये वॉफल्स हैं और इसके अंदर न्यूट्रेला की सिरप तो नहीं डलवाना। नहीं, अब ये बनवा रहे हैं हम। ये कौन सी जगह है? ये है लाइव आइसक्रीम। लाइव आइसक्रीम के बाहर हम खड़े हुए हैं और हमने यहाँ पे वॉफल बनवाने दे दिया है। अब हम बनवाए न्यूट्रेला वॉफल वनीला आइसक्रीम के साथ। वो ये रेडी हो गया। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, वॉफल को देखते हैं वनीला आइसक्रीम के साथ कैसा लग रहा है। गाइज़ हम लोगों को यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इवेंट्स थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और अब हमारा जो है वो सफ़र एंड होता है, अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो पोर्ट ग्रैंड में हमें बहुत मज़ा आया, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।